तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन राज HD चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पैन कार्ड आप UTI के माध्यम से अगर बनाते हैं, अगर UTI के आप रिटेलर हैं तो आपको पैन कार्ड में आपको यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई आप करते हैं तो उसमें सिग्नेचर बनाने के लिए और साथ ही साथ में यहाँ पर फोटो को यहाँ पर रिसाइज करने में और DPI मिलाने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको इसमें बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा। मैं इसमें दो तरीके से बताऊंगा, पैन कार्ड में आपको सिग्नेचर और साथ ही साथ में आपको फोटो को आपको रिसाइज कैसे करना है, और बिल्कुल एक ही क्लिक में मात्र उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने साइज को बनाकर। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको पैन कार्ड का जो आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय आपको पैन का एक PDF डाउनलोड करना पड़ता है, यानी कि जो एक पैन फॉर्म जो होता है जैसे आधार कार्ड और जो पैन फॉर्म जो 49 नंबर होता है उसको आपको एक साथ में अटैच करके आपको कैसे यहाँ पर आपको साथ में एक PDF बनाना है, एक ही साथ PDF बनाना है उसका सारा जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइज बनाने के लिए। साथ ही साथ में PDF बनाने के लिए मैं इसमें सारा डिटेल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिग्नेचर और फोटो को यहाँ पर साइज बनाने के लिए बताऊँगा। तो इस वेबसाइट पर आप चले आएँगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जहाँ से ऑनलाइन आप बना सकते हैं फोटो को रिसाइज। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जो आपका सिग्नेचर है या फोटो है जिसको रखे हुए हैं, जैसे मैं पहले फोटो ले लेता हूँ और फोटो यहाँ पर चूज फाइल कर लिया हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर KB आ चुका है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर PNG जो फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको JPG कर लेना है, और JPG करने के बाद यहाँ पर आपको साइज टाइप करना है। साइज वहाँ पर आपको दिखाया गया है कि साइज कितना बाई कितना है। फोटो अगर होगा तो उसमें 213 और साथ ही साथ में 213, यानी कि 213x213 डालना है। चौड़ाई भी उतना ही और लंबाई भी उतना ही, यानी कि एक वर्ग के टाइप में यहाँ पर 213x213, यानी कि चौड़ाई 213 और हाइट 213। इसके बाद यहाँ पर DPI आपको 300 रखना है, इस तरह से रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट वाले पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पर रिसाइज हो रहा है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन इस तरह से रिसाइज हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ, इस पर ओके करूँगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको सिग्नेचर को लेना है। सिग्नेचर को लेने के लिए आप फिर से यहाँ पर बैक वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज करना है फाइल। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल वगैरह क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर एक बार लेना है, जैसे मैं सिग्नेचर यहाँ चूज कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर JPG, और इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर सिग्नेचर में देखेंगे यहाँ पर चौड़ाई आपको होना चाहिए 400 और यहाँ पर हाइट आपको होना चाहिए 200, इस तरह से। और यहाँ पर आपको DPI जो होगा यहाँ पर DPI आपको रखना है, तो यहाँ पर DPI 600 करेंगे। इसके बाद स्टार्ट वाले बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर से उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर भी रेडी हो चुका है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरा सिग्नेचर भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिग्नेचर भी डाउनलोड कर लिया हूँ इस तरह से, और सिग्नेचर को आप सेव कर लेंगे। यहाँ तो मैंने आपको सिग्नेचर इस माध्यम से बताया, और सिग्नेचर एक तरीका और है आपको चेंजिंग करने के लिए। तो चलिए आना है, तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको वेबसाइट इस तरह से ओपन होगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जहाँ से आप कूपन खरीदते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोटो सिग्नेचर क्रॉप, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर के यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर फोटो लिखा गया, यहाँ पर सिग्नेचर, तो यहाँ फोटो वाला चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट एक फोटो यहाँ से लेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट गेट सिग्नेचर पर क्लिक कर लेना है। गेट फोटो पर ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सेव हो गया मेरा। उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर पर चूज फाइल करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर उठा लेंगे यहाँ से और यहाँ पर गेट सिग्नेचर पर क्लिक कर लेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैंने ये वाला मेथड बताया, इस वाले मेथड पर आप किसी का भी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर बना सकते हैं, चाहे पैन कार्ड हो या किसी का ही हो। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फोटो एंड सिग्नेचर का साइज बन चुका है। अब मैं यहाँ पर PDF बनाने के लिए ऑनलाइन बताता हूँ। तो PDF ऑनलाइन बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर JPG to PDF टाइप करना है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पर JPG to PDF बनाने के लिए यहाँ पर JPG आपको फाइल होगा, जैसे चूज फाइल पर क्लिक करूँगा। जैसे मुझे यहाँ पर जिसका यहाँ पर PDF बनाना है उसका यहाँ पर चूज फाइल कर लेना है। तो मुझे यहाँ पर PDF बनाना जो है, यहाँ पर जो पैन फॉर्म जो है यहाँ पर 49 ये वाला और ये वाला फॉर्म है, ये दोनों को आपको अटैच करना है एक साथ में। तो पहले ये ले लेता हूँ, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड लेना है, तीनों को लेना है एक साथ में। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर तीनों एक साथ में आ जाएगा। जिसको पहले रखना है उसको आप इधर उठा कर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साथ में रखता था, यहाँ पर आधार कार्ड लास्ट में। इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका पीडीएफ बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर आपका पीडीएफ भी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर पीडीएफ इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद ओके ओके करने के बाद यहाँ से आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा बन चुका है। आपको इसी तरह से आपको पीडीएफ को बनाना है। तो आप इसी तरह से आप सारा डिटेल को मिलाएंगे। यहाँ पर जैसे आधार कार्ड एक साथ होना चाहिए, साथ साथ में ये जो फॉर्म था ये फॉर्म को साथ ही में होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना पीडीएफ को बना सकते हैं। तो चलिए, मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन